लामा फेरा के बारे में मैं आपको एक मेन चीज बताना चाहूंगी। लामा फेरा जो है वो एक पद्धति है, इट इज अ प्रोसेस, फाइन। वो प्रोसेस क्या है वो हम कोर्स के दौरान सीख लेंगे, ठीक है। बट बेसिक क्या है लामा फेरा का, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। वेबिनार में मैंने पूरा भगवान बुद्ध की आपको हिस्ट्री बताई थी, ठीक है। हम इसको दोबारा करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल में हिस्ट्री और बता दूंगी इसकी। बेसिकली एक चीज समझिएगा, ये लामा फेरा जो है ये सिंबॉलिक हीलिंग है, ठीक है। जैसे रेकी जिन लोगों ने किया है वो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे फर्स्ट पार्ट पे, कि ये एक सिंबॉलिक हीलिंग है। सिंबॉलिक हीलिंग क्या होती है? सिंबल्स होते हैं हमारे यहाँ सामने, जनरली कौन से सिंबल्स होते हैं? ओम, स्वास्तिक, बहुत कॉमन सिंबल्स हैं, राइट, है ना। ये है त्रिशूल आया, ये सारे क्या है, एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो लामा फेरा में भी ऐसे कंप्लीट 2 महीने के कोर्स में 12 सिंबल्स हैं बेसिकली, ओके। और ये जो 12 के 12 सिंबल्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं सबसे पहले तो आपके सोल को रियलाइज करने में, कि आप, क्योंकि देखो कब क्या होता है, जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने से पहले जब मदर वूम में हमारी सोल आती है तो एक पर्पस लेकर आती है, ऐसे तो नहीं कहीं भी चली जाएगी, कोई ना कोई तो पर्पस होगा ना। या तो पास्ट लाइफ के कुछ कर्जे चुकाने होते हैं, कुछ कर्माज होते हैं, या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो सोल किसी पर्पस से हमारी बॉडी में आती है, ये हमारा शरीर लेती है मदर के वूम में। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें होती हैं वो चीजों को एक्सेप्ट करती है, सुनती है, माँ के थ्रू वो खाना खा रही है, टेस्ट, सारे जो 5 एलिमेंट्स है उसको समझ रही है। धीरे धीरे बाहर आने के बाद समझना शुरू करते हैं एनवायरनमेंट को, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो क्या होता है इस जर्नी में, जब तक मैंने कहा ना जैसे 35-40 तक एक एक रियलाइजेशन स्टक होती है सबको, ऑलमोस्ट सभी को होती है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी हो जाती है, जो इन सब चीजों में नहीं पढ़ते, एनवायरमेंटल में नहीं पढ़ते हैं ना, उनको बहुत जल्दी स्ट्राइक हो जाता है। उसके पर्पस अलग होते हैं, सोल की जर्नी के हिसाब से उनके पर्पस अलग होते हैं, और बहुत लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि उनको क्या करना है, और बहुत लोगों को बहुत देर से भी पता चलता है, राइट, है ना। तो हम लोग जो है जिसको हम कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, ये आप लोगों ने बहुत सुने होंगे शब्द, तो मिड लाइफ क्राइसिस जनरली कब आता है? आफ्टर 35 ही आता है, ओके। कुछ लोगों को आ जाता है थोड़ा जल्दी, बट इन जनरल 35 के बाद ही आता है। जब हम ये सोचने बैठते हैं कि अरे भाई हमने इतनी लाइफ निकाल दी, ये सब कर लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, हस्बैंड है, इन लॉज है, सारे फ्रेंड सर्कल्स हैं, इतना सोशल हमारा गैदरिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, हमारे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग, राइट। काम पे जाना है, हमें ये पढ़ना है, ये करना है, ये सब चीजों में हम फंस के रह जाते हैं, और जिस पर्पस से हमने जन्म लिया है वो कहीं ना कहीं इसमें खो जाता है, अग्री। तो जब हमको इस एज के आसपास थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ तो है, समथिंग इज देयर व्हाई वी आर बोर्न, ये क्वेश्चन सबको आता है, तो जब हम इस क्वेश्चन को के आंसर को ढूंढने लगते हैं तब हम स्पिरिचुअली स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन होते ही है। आई थिंक सो, रिकॉर्डिंग इज ऑन गया। हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को अपनाने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे एक एज के बाद ही आप थोड़ा मेडिटेशन की तरफ चले जाते हो, अलोम विलोम करने लगेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, बाहर वॉकिंग शुरू कर देंगे, पेड़ पौधों को अच्छे से मतलब रखना शुरू करेंगे घर में, और आप देखोगे आपका जो बात करने का तरीका होता है या चीजों को डील करने का जो तरीका होता है वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। नोटिस किया ही होगा आपने, जो आप पहले थे और अभी हो एट प्रेजेंट, उसमें बहुत डिफरेंस है। आपके आपका जो इंटेलेक्ट है काफी हाई लेवल पे हो जाता है। आप भले उसको ये सोचो कि भाई इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया इसलिए हम इस तरह से बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, हमारा सोल भी हमें कनेक्ट करता रहता है, साइड बाय साइड हमको नॉक करता रहता है, ठीक है। कुछ चीजें आप देखोगे जो आपको नहीं पता थी लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, तो वो क्या है? बिकॉज सोल हैज अ मेमोरी, उसको तो सब पता है, सारे जन्मों के बारे में पता होता है ना। वो तो हम इस शरीर में आके एक अलग अपनी मेमोरी बनाने लग जाते हैं, बट इट नोज सब कुछ है यहाँ पर। धीरे धीरे आपको जब आप इस तरफ आते हो, इस तरफ ध्यान लगाते हो, मेडिटेशंस करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, नेचर के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हो, जब ये सब चीजें होती है ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड फिर से जागृत हो जाता है,
और जो वहां पर हमारा सोल पर्पस रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी है, वो धीरे धीरे आपके सामने आने लगता है। तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, इरिटेशन होगी प्रेजेंट एनवायरनमेंट से, ठीक है। कुछ लोगों के बोलने से ज्यादा तकलीफ होने लग जाएगी अचानक से, कुछ ना कुछ चेंजेस आप फील करोगे अपने आसपास। या आपको जिन लोगों के साथ बैठना उठना पसंद आता था, वो अचानक से आपको ऐसा लगता है नहीं यार अब टाइम वेस्ट है, चलो यहाँ से, होता है ना। तो ये सब क्या होता है, ये वही है, आपका सोल नॉक कर रहा है कि अब बस बहुत हो गया, बहुत मस्ती मार ली है ना, अपने पर्पस पे वापस आ जाओ, सिंपल, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ लामा फेरा के थ्रू आप कैसे अपना पर्पस फाइंड आउट कर सकते। पहली चीज तो ये है कि ये जो मैंने सिंबॉलिक बात करी आप लोगों से, तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये कहाँ से आए? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? सिंबल्स आए कहाँ से? चाहे रेकी के हों, चाहे लामा फेरा के हों, चाहे हुंकारा के हों, ये सारे हम दिए हैं हमारे वेदों के रचयिता जो है एक महर्षि शाल्वेक। नाम सुना है आप लोगों ने, ऋषि शाल्वेक या महर्षि शाल्वेक? ये जितने भी सिंबल्स हैं ये उनकी देन है। उनकी एक अपनी अलग प्यारी सी स्टोरी है जो अभी हम, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, वो दूसरे किसी कोर्स में आएगी। बट महर्षि शाल्वेक ने तकरीबन 450 सिंबल्स की रचना करी। इन 450 सिंबल्स में से 150 जो सिंबल्स हैं, 150 सिंबल्स जो हैं, वो आज भी सीक्रेट है, क्योंकि वो जनरली तांत्रिक प्रैक्टिस में ज्यादा यूज होते हैं। बाकी के जो 300 सिंबल्स हैं उनमें भी है, यंत्र तंत्र मंत्र सब में है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट का है वो। आप कैजुअल भी यूज करेंगे तो कुछ बहुत ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा मतलब ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेकिन उस लेवल का नहीं, आपका तांत्रिक पूजा में जाएगा, साधना में जाएगा। इन 300 सिंबल्स में से रेकी के सिंबल्स हैं, ठीक है, लामा फेरा के हैं, हुंकारा के हैं, ये बहुत सारे और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। शाल्विक मंत्र रहस्य एक अलग ही पद्धति भी है, वो एक अलग है 300 सिंबल्स की। फिर योग माया है, उसमें 74 सिंबल्स हैं। सो ऐसे करके इन 300 सिंबल्स में से अलग अलग सिंबल्स लेके, अभी लामा ताई की भी है, उसमें भी कम से कम 6-12 सिंबल्स हैं, उसमें भी कुछ तीन तीन के सेट्स में। तो इस तरह से सारे सिंबल्स शाल्विक मंत्र रहस्य जो है वहां से लिए गए। क्लियर? ये भगवान बुद्ध, जो भगवान पुत्र बुद्ध हैं, उनसे बहुत साल पहले के हैं, है ना। तो अब क्या है, जब कलयुग स्टार्ट हुआ, आप समझिए इस चीज को, जब कलयुग स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे देव, जो देवदी रूप आए हैं, भगवान पुत्र कहते हैं हम बुद्ध को, ठीक है। तो भगवान पुत्र ये जितने भी हैं, जैसे राम ने त्रेता युग में जन्म लिया, विष्णु के अवतार, फिर कृष्ण ने जन्म लिया, फिर ये महा, अब ये वाली तो थे, वो सब कहाँ कहाँ पर तक थे, ये द्वापर युग तक थे। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग में उस टाइप का इंटेलेक्ट वाले लोग नहीं आ सकते थे इस जन्म में। अब यहाँ पर किन लोगों की जरूरत थी, कि जहां पर कर्मों का हिसाब हो, लोगों को सही रास्ता दिखाया जाए, ठीक है ना। कलयुग में क्या है, मारा मारी है, एक दूसरे को परेशान करना है, बेसिकली एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आगे अपना काम करना है, यही है ना सब चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हीलिंग्स की बहुत जरूरत है, यहाँ पर उस इंटेलेक्ट की बहुत जरूरत है जो आपको सही रास्ता दिखा सके, है ना। क्योंकि अगेन कलयुग है, राहु का काल है, तो राहु तो हमेशा सिर पे बैठ के नाचते हैं, ठीक है ना, तो उल्टे सीधे सच्चे सारे काम होते हैं। अब यहाँ पर रास्ता दिखाने के लिए अवतार हुए, जैसे हम इनको बोलते हैं, बुद्ध को बोलते हैं, ये एक अवतार है, ये हायर बींग्स बोलते हैं, हम इनको हायर सोल्स बोलते हैं। जिन्होंने धरती पे जन्म लिया है वो भगवान नहीं है, वो भगवान के अवतार है, ठीक है। वो हमें कुछ सिखाने आए हैं, कुछ पर्पस से आए हैं, वो यहाँ पर हमें सिखाते हैं, अपना कार्य पूरा करते हैं और चले जाते, जैसे आपके क्राइस्ट हुए, जीसस क्राइस्ट हुए, ठीक है। फिर सिख गुरु हुए, भगवान बुद्ध के बारे में मैंने बताया, भगवान पुत्र बुद्ध, और जैसे मुस्लिम्स में जो होते हैं, ठीक
ठीक है, जो प्रोफेट्स होते हैं बेसिकली क्रिश्चियंस में, और इनमें जो प्रोफेट्स जिनको कहा जाता है, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपको सही रास्ता बताते हैं भगवान की तरफ जाने का। अल्टीमेटली सब लोग यही बता रहे हैं, है ना? मैम तो उसी तरह से, हाँ हंसा जी कुछ कहना चाहते हो? मैम, साई बाबा भी ऐसे ही होते हैं क्या? साई बाबा, साईं बाबा हाँ अभी के हैं वो, तो अभी हम उनको नहीं लेंगे, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो 400-500 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है? जी साईं बाबा गुरु है, ओके? हाँ।